इसे नहीं पता, मैंने सिर्फ इसे इसके बालों के लिए रखा है, नहीं तो इस लड़की में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बेटा रूपांजल, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। बेटा रूपांजल, मैं चाहती थी कि तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो। देखो तुम्हारे बाल धरती को छू रहे हैं, देखो कितने लंबे बाल हो गए तुम्हारे। और बेटा हमेशा की तरह कोई भी यहाँ आए तो तुम उसे अंदर मत आने देना, ठीक है ना? ठीक है, अब मैं चलती हूँ जंगल। अच्छा ठीक है। जाना, मैं कैसे जा पाऊँ इस दुनिया को अपनी आंखों से मैं देख के पाऊँ। तभी वहाँ पर उस राज्य के राजकुमार अपना वेश बदलकर उस जंगल में आते हैं और उन्हें वह प्रिंसेस रपंजल की आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी सुरीली आवाज, ऐसी आवाज तो मैंने आज तक नहीं सुनी। कितनी अद्भुत आवाज है, मुझे इस आवाज का पता लगाना ही पड़ेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। जब उसकी आवाज इतनी सुरीली है तो वो कितनी सुंदर होगी, पता करना पड़ेगा। अरे इतने घने जंगल में ये घर कहाँ से आया? ये टावर जैसा घर, इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। जरूर वो आवाज इसी घर में से आ रही होगी। हाँ जाके देखना पड़ेगा मेरे को। कोई है? हेलो। वाओ इतनी ब्यूटीफुल लड़की, इससे सुंदर तो मैंने आज तक लड़की कभी जिंदगी में नहीं देखी। हेलो मुझे ऊपर आना है, आप सुन पा रहे हो? हेलो। अरे कौन हो तुम? मैंने आज से पहले कभी कोई इंसानों को नहीं देखा, मैं अपनी माँ के अलावा किसी और को नहीं जानती हूँ। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मार डालोगे तुम, इंसान बहुत बुरे होते हो, मेरी माँ बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ। देखिए प्लीज आप मुझसे डरिए मत, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, मैं भेष बदलकर जंगल में शिकार करने के लिए आया था। मेरी माँ कहती है इंसान बहुत बुरे होते हैं। देखिए राजकुमार जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ ने कहा है किसी को अंदर मत आने देना, आपको अनुमति नहीं है अंदर आने की, मुझे माफ कर दे। आप मुझे ऊपर आने दीजिए, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। प्लीज राजकुमार जी आप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी मम्मा आ जाएंगी। अभी मेरी मम्मा आती होंगी, मुझे इसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा। बेटा रूपांजल, बेटा रूपांजल, देखो मैं आ गई। रूपांजल, बेटा रूपांजल, देखो मैं आ गई। अपने बाल नीचे फेंको बेटा। ये मम्मा आप आ गई। ओके मम्मा, ये लो। अच्छा तो ये बात है। मम्मा मम्मा आज अपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मम्मा मैं ना आपको एक बात बताना चाहती।
हाँ बता बेटा रपांजल, क्या बात बताने चाह रही है तू? मम्मा मम्मा, मुझे ना आपको एक बात बतानी थी। मैंने ना आज एक इंसानी मनुष्य को देखा, वो ना बहुत अच्छे होते हैं मम्मा, वो गंदे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं वो तो। रपांजल, क्या हुआ माँ? रपांजल, मैंने तुझसे मना किया है ना, इंसानी मनुष्य बहुत खतरनाक होते हैं, वो तुमको मार डालेंगे। क्यों गई तू उस इंसान से बात करने? हाँ, तेरे को समझा था ना, बोल बोल, क्यों गई तू? मम्मा मुझे छोड़ो, मुझे बोल बोल, अब करेगी क्या इंसानी मनुष्य से बातें? ऐसे नहीं मानेगी तू, बोल। नहीं मम्मा, अब नहीं करूंगी। समझ में आया क्या तेरे को? मम्मा नहीं करूंगी अब, मम्मा छोड़ो, लग रही है। देख मत जाना, नहीं तो तुझे जहीं से उठाकर उस कुएं में फेंक दूंगी, ठीक है ना, समझी? देख रूपांजल, अब मैं जंगल जा रही हूँ, अगर तूने किसी इंसानी मनुष्य से बात की ना, तो मैं तुझे मेढक बना दूंगी अपनी जादू से। नहीं मम्मा, आप ऐसा मत करना, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, आप मुझे मेढक मत बनाना। ओ मेरी प्यारी बेटी रूपांजल, तू कितनी समझदार हो गई है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ जंगल। लगता है इस लड़की की माँ चली गई, अब मैं इस लड़की के पास जाता हूँ। आखिर मैं कब निकल पाऊंगी इस टावर से बाहर? अम्मा मुझे हमेशा इस टावर में कैद करके रखती हैं। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, अरे ये तो राजकुमार की आवाज है जो कल दी थी उन्होंने। मैं आगर राजकुमार हूँ। हेलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मैं आगर राजकुमार हूँ। हेलो, प्लीज राजकुमारी, आप यहाँ से चले जाओ, मेरी मम्मा बहुत गंदी है, वो उनके जादू से आपको मेढक बना देंगे, आप यहाँ से चले जाओ प्लीज राजकुमार जी। मुझे ऊपर आने दीजिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा।
इंसान बुरे नहीं होते, आप मेरे को समझिए प्लीज, ऊपर आने दीजिए प्लीज। रपंजल और राजकुमार के बीच में कई देर तक बहस चलती रही, पर रपंजल ने राजकुमार को ऊपर नहीं आने दिया। फिर राजकुमार ने बहुत रपंजल को मनाया, तब जाके रपंजल मान गई इस इच्छा से कि वह इस दुनिया को देख पाए। रपंजल ने सोचा कि उसकी माँ तो उसे कभी बाहर जाने नहीं देती, शायद ये राजकुमार उसे बाहर की दुनिया दिखा सके, इसलिए वह राजकुमार को अपने पास उस टावर पर ऊपर बुला लेती है। अरे राजकुमार जी, आप इस टावर से बाहर क्यों नहीं आते हो कभी भी, और आपने खिड़की दरवाजे ऐसे बंद कर रखे हैं कि कभी खुलने का नाम ही नहीं लेते हो। ये सब ना मेरी मम्मी की मर्जी से चलता है, जब उनका मन होता है तब गेट खोल देती हैं और जब उनका मन होता है तब लॉक कर देती हैं, वो किसी से ना खुले ऐसे लॉक करती हैं। मेरी मम्मा के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, वो ना मुझे कभी इस टावर से बाहर नहीं जाने देती हैं। वो बोलती हैं बाहर की दुनिया बहुत खराब है, इंसान बहुत खराब होते हैं। माना कि इस दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, पर इस दुनिया में कुछ अच्छाइयां भी तो बची हैं, फिर भी तुम्हारी मम्मा तुमको बाहर की दुनिया में क्यों नहीं जाने देती? मेरी मम्मा बोलती हैं इंसानी मनुष्य ना बहुत खतरनाक होते हैं, वो हमको मार देते हैं, इसीलिए मम्मा मुझे बाहर नहीं जाने देती। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, विश्वास ना हो तो छू के देखो मुझे। सच में? हाँ। झूठ बोलती थी कि इंसानी मनुष्य बहुत खतरनाक होते हैं, तुम तो बहुत अच्छे होते हो। हाँ ऐसा कुछ नहीं, मैं भी तो इंसानी हूँ ना, छूने को नहीं हुआ तुमको? नहीं हुआ ना, तो फिर ये, पर मैं इस इंसानी दुनिया को देखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इस इंसानी दुनिया में घुमा सकते हो? हाँ बिल्कुल, जब तुमने मुझे ऊपर आने दिए ना, तो मैं भी तुमको इंसानी दुनिया घुमाऊंगा, तो चलोगी मेरे साथ? हाँ। तो चलो। राजकुमार जी, अब आप अपने बालों को नीचे उतार दीजिए, जिनके सारे अपन नीचे उतर जाएंगे, ठीक है? बेटा रपंजल, रपंजल देखो मैं आ गई, अपने बाल नीचे फेंको। बेटा रपंजल, रपंजल क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? रपंजल, बेटा रपंजल, रपंजल। मम्मा मम्मा, मुझे ना आपको एक बात बतानी थी, मैंने ना आज एक इंसानी मनुष्य को देखा, वो ना बहुत अच्छे होते हैं मम्मा, वो गंदे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं वो तो। क्या चुड़ैल रपंजल को ढूंढ पाएगी या नहीं? जानने के लिए इस वीडियो का अगला भाग देखना ना भूलें।